Assalamu alaikum ji, fundamental of physics, Halliday, resnick, walker ka 10th edition hai, chapter 36, diffraction, problem 71. Trick de di gayi hai 36.48, wo kehta hai x-ray ki beam jiski wavelength 0.125 nanometer hai, sodium chloride crystal pe gir rahi hai 45 ke angle pe, top face of the crystal. Family of reflecting plane, wo kehta hai reflecting plane ki jo separation hai 0.252 nanometer ki hai. क्रिस्टल को आप टर्न कर रहे हैं परपेंडिकुलर पेज पे अंटिल वो कहता है जो रिफ्लेक्टिंग प्लेन है वो मैक्सिमम डिफ्रैक्शन दे रही है. हम आपसे स्मॉलर और लार्जर एंगल वैल्यू ऑफ फाई पूछ रहा है अगर क्रिस्टल को क्लॉकवाइज घुमाया जाए. स्मॉलर और लार्जर वैल्यू ऑफ फाई पूछ रहा है अगर हम उसे काउंटर क्लॉकवाइज घुमाया जाए. तो हम कह सकते हैं कि भाई अगर आपके पास क्रिस्टल को रोटेट किया जाता है एंगल थीटा तो ओरिजिनल है प्लस माइनस फाई करेंगे तो न्यू जो एंगल होगा वो डिपेंड करेगा कि आया वो क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज. तो हम इसका टूल बना लेते हैं कि हम कह देते हैं भाई इसी कंसेप्ट से तो अब थीटा की जगह क्या आएगा थीटा प्लस माइनस फाइव. तो आप कहेंगे साइन इनवर्स एम लैम्डा की वैल्यू लग गई और नीचे टू डी की वैल्यू आ गई. तो जनाब वाला अब पहले हम एम की वैल्यू वन रखेंगे क्लॉकवाइज लेंगे तो थीटा माइनस फाइव आ जाएगा. अब आप यहाँ पे थीटा माइनस फाइव इस फार्मूले में वैल्यू एम की वैल्यू वन रखेंगे सारे को लेकर सॉल्व करेंगे तो फाइव की वैल्यू आ जाएगी 30.6 डिग्री. इसी तरह एम टू रखेंगे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में तो वो थीटा माइनस फाइव है उसी सेंस में हम निकालेंगे दोबारा से एम की वैल्यू टू रख के तो ये 15.3 डिग्री आ जाएगी. फिर इसी तरह एम थ्री रखेंगे काउंटर क्लॉकवाइज तो अभी वो ऐड हो जाएगा तो थीटा प्लस फाइव हो जाएगा. आप यहाँ पे एम की वैल्यू थ्री थर्ड ऑर्डर के लिए हम चल रहे हैं तो यहाँ पे अब आपके पास इस सारे को सॉल्व करेंगे ये फाइव इधर आ जाएगा तो ये आपके पास तकरीबन 3.1 डिग्री हो जाएगा. एम फोर रखेंगे तो आपके पास काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में थीटा प्लस फाइव उसी तरीके से एम की वैल्यू फोर रख के सॉल्व करेंगे 37.8 होगा. तो हम कहेंगे कोई भी इंटेंसिटी चौथे ऑर्डर से ज्यादा नहीं होगी क्योंकि आप वेरीफाई कर सकते हैं कि m lambda by 2t greater होना चाहिए 1 से for the m greater than 1. ठीक है तो क्योंकि sin theta आ जाता है ना तो sin theta का आंसर 1 से ज्यादा तो हो नहीं सकता तो हम वो 4 ऑर्डर तक की जा सकते हैं. तो ये हमारे पास सोल्यूशन है. अगर आपको इसमें कोई बात पूछनी हो डाउट हो नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं. वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब कर